अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म दैट इज़ वन विद ऑक्सफर्ड इंग्लिश। आई एम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो एज यू ऑल नो के लास्ट लेक्चर में हमने अपने यूनिट नंबर 9 अ वॉइस इन द डार्क की रीडिंग की थी अपने ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश से। सो आज हम उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेज और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। सो हरी अप विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर डिले, हेडिंग देंगे आप ऊपर राइट मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स। और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बाइड। बाइड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, इंतज़ार करना, मीन्स वेट। डेलिब्रेटली मीन्स आहिस्ता से। इरेजोल्यूट मीन गैर मुस्तकिल मिजाज, यानी कि जिसका बिहेवियर जो है वो एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेन। मेन का मतलब है लंगड़ा या फिर माजूर, यानी कि हाथ पैर से कोई जब माजूर होता है, डिसेबल होता है, तो उसके लिए मेम्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश्ड। रिलिंक्विश्ड मीन छोड़ना, ठीक है, आज़ाद कर देना, रिलीज करना। नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट। हेस्ट मीन जल्दी में, हरी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड मीन जोर देना, राकिब करना, यानी कि किसी को अपनी बात पर एग्री करना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है बेडंगा, यानी कि विदाउट एनी मैनर, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जब कोई चीज़ होती है उसके लिए स्क्रैम्बल का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। सेकेंड लास्ट वर्ड है थॉटलेसली। थॉटलेसली मीन बेमकसद, बगैर सोचे समझे कोई काम कर लेना। लास्ट वर्ड है हमारा फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है मौजू मुफीद। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। इन्हीं वर्ड मीनिंग्स में से मैंने वर्ड्स चूज़ किए हैं जिनको हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फेवरेबल। फेवरेबल का हमने मतलब पढ़ा था मौजू मुफीद। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द प्रिजनर, कि कैदी के लिए जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, मुफीद नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ड है हमारा हेस्ट। हेस्ट का हमने मतलब पढ़ा था जल्दी, हरी में होना। द लॉयर लेफ्ट द ऑफिस इन अ हेस्ट, के वकील बहुत जल्दी में ऑफिस से चला गया। थर्ड वर्ड है हमारे पास डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मीन द स्नेक वॉज, सॉरी, इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, द स्नेक वॉज मूविंग डेलिब्रेटली टूवर्ड्स द प्रे, जो सांप है वो अपने शिकार की तरफ बहुत आहिस्ता से बढ़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। डू नॉट ड्रैग द फर्नीचर, के फर्नीचर को मत घसीटो। लास्ट वर्ड है हमारा इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का हमने मतलब पढ़ा था गैर मुस्तकिल मिजाज, जिसका बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता। हिज टेम्परमेंट इरेजोल्यूट, उसका जो मिजाज है वो गैर मुस्तकिल है, यानी कि एक जैसा नहीं रहता, उसका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड मीनिंग जो वर्ड सेंटेंसेस हो गए। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन वाज इट, डीजल, इलेक्ट्रिक और स्टीम। आपने बताना है कि ट्रेन कौन सी थी, डीजल पे चलने वाली, इलेक्ट्रिक थी या स्टीम थी। तो हमने पढ़ा कि वो स्टीम थी, क्योंकि जब जैसे ही ट्रेन जो थी वो स्टेशन पे आई, उसका धुआं जो था पूरे स्टेशन में फैल गया। तो इससे क्या पता चलता है, दैट द ट्रेन वाज स्टीम ट्रेन। ठीक है, तो यही इसका आंसर लिखेंगे। इट वाज अ स्टीम ट्रेन, इट स्टीम्ड इनटू द स्टेशन, कि वो जो ट्रेन थी वो स्टीम थी, धुएं वाली थी, और उसकी वजह से पूरे स्टेशन में धुआं जो था वो फैल गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इन अ स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इनसिग्निफिकेंट, व्हाट डज इट मीन। आपने बताना है स्टोरी में इनसिग्निफिकेंट क्या था और इसका क्या मतलब है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर अहम, जैसे कि हमने पढ़ा था द स्मॉल स्टेशंस, द स्लो ट्रेन, इनसिग्निफिकेंट कहा गया है छोटे स्टेशन पर जहाँ पर द स्लो ट्रेन स्टॉप्ड एट, जहाँ पर जो आहिस्ता चलने वाली ट्रेन होती है वो रुकती है। आर डिस्क्राइब एज बीइंग इनसिग्निफिकेंट, उन छोटे स्टेशंस को इनसिग्निफिकेंट कहा गया है। दिस मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, इसका मतलब है गैर अहम। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कंपेनियन, सॉरी यहाँ पे एस नहीं आएगा, कंपेनियन आएगा। ठीक है, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कंपेनियन नो दैट द ट्रेन वाज शॉर्टली गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन। ऑथर यानी कि जो राइटर है, उसे और उसके साथी को कैसे पता चला कि जो ट्रेन है वो जल्द ही स्टेशन पर आ जाएगी। तो कैसे पता चला था, लोगों की जल्दी में के लोग जो थे वो स्टेशन पर जमा होने शुरू हो गए थे, उन्होंने अपना सामान रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। द ऑथर एंड हिज कंपेनियन नो दैट
न्यू दैट द ट्रेन वॉज शॉर्टली गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन, ऑथर उसके साथी को इस तरह पता चला कि ट्रेन जो है वो जल्दी स्टेशन पर आने वाली है, बिकॉज द पैसेंजर वर ऑलरेडी पेसिंग द प्लेटफॉर्म, द लगेज वॉज प्लेस्ड इन रेडीनेस एंड क्यूरियस पीपल वर असेंबल्ड टू सी द कमिंग एंड गोइंग ऑफ ट्रेन। क्योंकि जो मुसाफिर थे वो प्लेटफॉर्म पर जमा होना शुरू हो गए थे, उनका सामान जो था वो जल्दी से रखा गया आगे, और जो मुतजस्स लोग थे, जो कि तजस्स वाले लोग थे, वो जो है वो स्टेशन पर खड़े हो गए। उनका काम था आती जाती ट्रेन को देखना, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट से पता चला ऑथर उसके साथी को कि ट्रेन जो है वो जल्द ही आने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड डेवीज अलाउ हिज कंपेनियन टू जंप ऑन अ ट्रेन फर्स्ट। जो डेवीज है, जो ऑथर है, ये ऑथर का नेम है, ठीक है, जो अपनी कहानी हमें बता रहा है, ठीक है, उसको नरेटर भी बोला जाता है। अच्छा जी, डेविस ने अपने साथी को पहले ट्रेन में जंप करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो हैंडीकैप था, ठीक है, वो डिसेबल था, इस वजह से। ही अलाउड हिज कंपेनियन टू जंप ऑन अ ट्रेन फर्स्ट बिकॉज ही हैड अ मेम हैंड। उसने अपने साथी को पहले ट्रेन में जंप करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसका हाथ एक मजबूत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ ब्लाइंड बैगेज कार। आपने बताना है ब्लाइंड बैगेज कार का क्या मतलब है। अ ब्लाइंड बैगेज कार मींस दैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन ऑन दैट कार हैड नो डोर ऑन इट, सो इफ द मैन कुड क्लाइम ऑन इट नो वन वुड बी एबल टू सी देम और गेट टू देम। अच्छा जी, ब्लाइंड बैगेज कार का मतलब है वो इंजन, वो ट्रेन का कैरेज डब्बा जो कि इंजन के करीब होता है और उस डब्बे पर कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा होता। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी आपको उतरते हुए और चढ़ते हुए नहीं देख सकता और ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके करीब आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज, डस डेविस ब्लेम द मैन फॉर द एक्सीडेंट, हाउ डू यू नो। क्या आपको लगता है कि जो डेविज है वो अपने साथी को उस एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार समझता है? आपको कैसे पता चला? अच्छा जी, तो उसके उसका जो साथी था, कंपेनियन था, जो हैंडीकैप था, वो जब ट्रेन पर चढ़ गया तो उसकी मूवमेंट या उसकी हरकत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थी, बल्कि क्योंकि उसको चाहिए था चढ़ने के बाद वो थोड़ी सी जगह छोड़ता जहाँ पर जो है वो डेविस जो है नरेटर जो है वो जंप करके ऊपर चढ़ जाता, बट उसने उसको ऊपर चढ़ने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। सम डिटेल्स इंडिकेट दैट, कुछ डिटेल जो है तफसीलात बताती हैं दैट डेविस डज ब्लेम द मैन फॉर द एक्सीडेंट, कि वो अपने साथी को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझता है। डेविस सेज दैट द मैन स्टूड थॉटलेसली, कि वो फजूल में बगैर सोचे समझे बगैर एक जगह पर ही खड़ा रहा, बट देन ही मूव्ड वेरी डेलिबरेटली, और जब वो मूव हुआ, वो उसने हरकत की तो बहुत ही आहिस्ता, बल्कि उसे चाहिए था कि जल्दी जल्दी सारा कुछ करे, डेविस के लिए जगह बनाए कि डेविस भी छलांग लगा कर चढ़ जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विच सजेस्ट दैट, जिससे ये पता चलता है, ही बिलीव्स, कि उसे लगता है दैट द मैन वॉज बींग स्लो इनटेंशनली, कि जानबूझकर उसने जो है ये सारा कुछ किया, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के वर्ड मीनिंग्स, एक दफ़ा देख लें, और वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी और सारे जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे थे वो इनसे सॉल्व हो गए होंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट बुक पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उन सब क्वेश्चंस का आंसर राइट करें, बट आपको उन सब के आंसर्स पता होने चाहिए। तो ये तभी होगा जब आपने इसकी रीडिंग का लेक्चर जो है वो लिया होगा चैनल से, तो फिर ही आप उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर कंसल्ट किया करें, और इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस के अगर आंसर आपको नहीं पता या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें ताकि हम मिलके उसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।